राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। किन्नर अखाड़े ने शाही शान और शौकत से निकाली पेशवाई देखने उमड़ा हुजूम। प्रयागराज कुंभ 2019 में पहली बार किन्नर अखाड़े ने हिंदू परंपरा के 13 अखाड़ों की तरह शाही शान और शौकत से पेशवाई निकाली। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में निकली पेशवाई शहर के जिन भी रास्तों से गुजरी देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। आलोपी बाग बागमबरी गद्दी रोड दारागंज मार्ग पर दर्शकों की भीड़ और प्रसाद पानी चढ़ाने वालों की ललक के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रही। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में राम भवन चौराहे पर स्थित भगवान शंकर के मंदिर में पूजा अर्चना की। यह पेशवाई आलोपी बाग स्थित शंकराचार्य आश्रम में पूजन के बाद आगे बढ़ी। सबसे आगे हाथों में तलवार लिए महामंडलेश्वर ऊंट पर सवार होकर निकले। किन्नर अखाड़े की पेशवाई में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अलावा अखाड़े की पीठाधीश्वर प्रभारी उज्जैन की पवित्रा माई उत्तर भारत की महामंडलेश्वर भवानी माँ अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर डॉक्टर राज राजेश्वरी पहुंची। वहीं जयपुर की महामंडलेश्वर पुष्पा माई दिल्ली की महामंडलेश्वर कामिनी कोहली और पश्चिम बंगाल की मंडलेश्वर गायत्री माई महाराष्ट्र नासिक की मंडलेश्वर संजना माई समेत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि दो बड़ी परीक्षाओं के कारण यात्रा का रूट बदला गया था। इससे पहले कुंभ मेला 2019 क्षेत्र के सेक्टर 12 संगम पूर्वी पटरी पर लगे शिविर में शनिवार को यज्ञशाला पूजनम ध्वजारोहण किया गया। संख्या में किन्नरों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सेक्टर 6 के नगवासुकी थाने के पीछे स्थापित संस्था ओम नमः शिवाय के शिविर में एक साथ 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए भंडारा बनेगा। साथ ही तीर्थराज प्रयाग के किन्नर अखाड़े का देश और विदेश में विस्तार भी किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के किन्नर अखाड़े को नहीं मिली मान्यता। हालांकि यह किन्नर अखाड़े का दूसरा कुंभ है जिसमें देवत्व यात्रा निकाली गई। इससे पहले 2016 के उज्जैन कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े ने अपनी पहली देवत्व यात्रा निकाली थी। समय जगत की स्पेशल रिपोर्ट उज्जैन से। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।